वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल, दिस इज हितेश यार। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोसेस रिकॉर्डिंग पेशेंट ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की जनरल इन्फॉर्मेशन, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, वार्ड, लैंग्वेज, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम के बाद डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस के बाद में डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ इंटरव्यू और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस, ये चीज़ें लिख लेंगे हम। इसके बाद में प्लेस ऑफ इंट्रेक्शन के बारे में लिख लेंगे, भाई कौन से प्लेस पे इंट्रेक्शन हो रहा है, जैसे कि साइकेट्रिक वार्ड ऑफ एसआरजी हॉस्पिटल झालावाड़। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव वार्ड में टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ इंट्रेक्शन, टाइम कितना है, ड्यूरेशन कितना लगने वाला है और कम्युनिकेशन टेक्निक क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम। इसके बाद प्रोसेस रिकॉर्डिंग में वही जो भी नॉर्मल बातचीत होती है पेशेंट के साथ में वही चीज़ें लिख लेंगे हम। सीरियल नंबर हो जाएगा आगे, भाई जो भी हमारा नंबर रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो लिखने के लिए। इसके बाद नर्स रेस्पॉन्स, पेशेंट रेस्पॉन्स हो जाएगा, वर्बल नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल, ये क्वेश्चन करते जाएंगे। यहाँ पर पेशेंट का रेस्पॉन्स रहेगा वर्बल में, दोनों हो जाएंगे, नॉन वर्बल में भी हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने नमस्ते रानी स्माइल किया, पेशेंट भी रेस्पॉन्स करता है, आज आप कैसा फील कर रही हैं, स्माइल की, आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करने की कोशिश की। इसके बाद पेशेंट रेस्पॉन्स देता है, थोड़ा सही लग रहा है आज। इसके बाद आप कहाँ रहते हो, पेशेंट रेस्पॉन्स दिया कि संजय कॉलोनी झालावाड़ में, आपके फैमिली में कौन कौन है, पेशेंट बताता है सास ससुर पति और दो बच्चे हैं, आपको यहाँ कौन लेके आया, मेरे पति यहाँ लेकर आए, पेशेंट का रेस्पॉन्स आया। इसके बाद में क्या आप अपने पति और परिवार वालों से गुस्सा हैं, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन किया, वो पेशेंट रिस्पॉन्स देता है हाँ, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद में आपको क्या हुआ था, पेशेंट रिस्पॉन्स देता है, आंसर देता है क्वेश्चन का, मुझे सबसे अलग रहना पसंद है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, ये पेशेंट का रिस्पॉन्स है, ठीक है। और इसी के साथ साथ पेशेंट फियर भी शो कर रहा है, उसके चेहरे से लग रहा है कि पेशेंट को डर लग रहा है थोड़ा बताते टाइम। इसके बाद में इसके अलावा और कोई दिक्कत है क्या आपको, पेशेंट रेस्पॉन्स देता है नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम जैसे ही कन्वर्सेशन एंड करेंगे, आप और लंबी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इतने में ही कंप्लीट कर लिया था अपना। इसके बाद ओके मिस रानी, आपसे बात करना अच्छा लगा, यहाँ पर पेशेंट भी रेस्पॉन्स देता है, मुझे भी अच्छा लगा सर। इसके बाद ओके बाय, पेशेंट भी रेस्पॉन्स देता है ओके बाय, ये हमारे कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी। इसके बाद में लिस्ट ऑफ इन्फ्रेंसेस, भाई हम जो भी बातचीत की हमने उस टाइम पे हमको कौन कौन से फाइंडिंग्स नज़र आई, जैसे कि हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन भी है और बिहेवियरल प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है तो उसके लिए कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है, एक बेसलाइन डाटा के लिए या फिर फॉर्मेट वगैरह के लिए, ठीक है, ये हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं अगर कोई कमी लगती है तो भी, और अच्छा लगता है तो वो भी मुझे बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।